उनकी वाइफ हूँ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने के लिए यहाँ आए थे और रास्ते में जो कुछ भी हुआ उनके साथ, उनको एट द स्पॉट शूट कर दिया गया और वो उनकी जान नहीं रही। कोई उनको वापस नहीं ला सकता, कोई भी उनको वापस नहीं ला सकता। उनके बच्चे उनके लिए तड़प रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे बाबा कहाँ हैं, हमारे बाबा को वीडियो कॉल करो, हमने बाबा को देखना है। उनके पेरेंट्स की बुरी हालत है, उनकी मदर की बहुत बुरी हालत है। मैं अपने बच्चों के सामने रो नहीं सकती, मैं अपने हस्बैंड की आखिरी रसूमात पर पहुंच नहीं सकी, मैंने उनको देखा नहीं, मेरे बच्चों ने नहीं देखा उन्हें। मुझे अभी तक नहीं यकीन आ रहा कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन जो हमने खबर सुनी कल कि पुलिस ने इनकाउंटर में उन शूटर्स को, उन रॉबर्स को ख़त्म कर दिया है, फिर मेरे भाई ने उनकी शनाख्त की जाकर और वो वही रॉबर्स थे और ये बिल्कुल ट्रू है कि वो मारे गए हैं, बिल्कुल वही थे वो, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा हस्बैंड वापस नहीं आ सकते, मेरे बच्चों का बाप वापस नहीं आ सकता, मेरे इन लॉज की बुरी हालत है, उनके पेरेंट्स की बुरी हालत है, उनको कोई भी उनका बच्चा वापस नहीं दे सकता, मेरे बच्चों को उनका बाप कोई वापस नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए दिल इतना मुतमईन है कि उनके जो कातिल थे वो मारे गए हैं। मैं पंजाब पुलिस का, हुकूमत पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ब्रिटिश कमीशन का और जितने भी लोग, जिन लोगों ने इस मुहिम में साथ बने, हमारा साथ दिया, आवाज़ उठाई, उन सबका बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग तासीयत के लिए आए और जिन्होंने हमारा साथ दिया, और यहाँ की जितनी लोकल कम्युनिटी है और जितने न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जितने भी, उन सबका बहुत शुक्रिया कि वो हमारी आवाज़ का हिस्सा बने और हमारे दिल को तसली देने के लिए थोड़ा इतना मुमकिन हुआ कि उनके कातिल मारे गए हैं। बहुत शुक्रिया।